सूर्या फिरोज, सूर्या फिरोज वार्निंग नहीं देता, वार करता है। मेरी कब्र पर कोई फातिहा पड़े न पड़े मुझे कोई गम नहीं। मैंने तेरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया, शमशान बना दिया। असली धमाका तो अभी बाकी है। मेरे लोग तेरे शहर में जगह जगह फैल चुके हैं। तेरे पास सिर्फ दो गड्ढे बाकी हैं। इस बीच उनको पकड़ ले तू, नहीं तो इससे भी बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा। इस बार 100 नहीं 1000 जाने जाएंगी। भाग सूर्या, अपनी पब्लिक को बचा ले। मैं तो अपने देशवासियों को बचा लूंगा, मगर तू नहीं बचेगा। तूने अपनी मौत कंफर्म कर ली, ब्लास्ट करके लाशें बेचोगे। फिरोज, तूने मुझे 2 घंटे दिए तेरे आदमियों को पकड़ने के लिए, पर तू 2 घंटे से पहले मेरे पास घुटनों के बल चलता हुआ आएगा। मेरी तरफ से काउंटडाउन शुरू हो गया है। गिनता जा कमीने, गिनता। देख लेंगे सूर्या, बहुत पछताएगा। जाधव, माथुर जी, पूरे शहर में फैल जाओ तुम सब। जिस किसी पर भी शक हो उसे छोड़ना मत। मूव। ये जो हमारा गेस्ट हाउस है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, पुलिस तक नहीं जानती। सूर्य को भी नहीं पता क्या रे? हर बार तू सूर्या से इतना डरता क्यों है? अपना फिरोज हर बार सूर्या को स्ट्रोक देकर कंफ्यूज करता रहता है। यही करेक्ट टाइम है सूर्या को अगला स्ट्रोक देने का। चलो प्लान बनाते हैं। अरे फिरोज भाई। दुर्रानी, सूर्या बहुत शातिर है। फौरन वहां से निकल जाओ और एक सेफ जगह पहुंचो। बिल्कुल भी देर मत करो। सूर्या के आदमी तुम्हें ढूंढने निकले हैं। जाधव को पकड़ने का ये राइट टाइम है। और मुझे वो जिंदा चाहिए। उससे पकड़ने के लिए अपने लोग भेजो। ठीक 6 बजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब रख देना। ओके सर, काम हो जाएगा। काम हो जाए तो फोन करना। ओके। मैं जो कह रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनो। तुम शाम को 6 बजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट करना। तुम जाकर जाधव को पकड़ो। उसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, जरा संभल के काम करना। मैं देख लूंगा। अब हम लोग यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो फिरोज भाई को फोन करना। तुम लोग बहुत संभल के अपना अपना काम करना, और जाधव को उठाते ही तुरंत मुझे फोन कर दे। और हमेशा मेरे टच में रहना। कम ऑन, मूव, लेट्स मूव। जाधव, तू मिल गया। बॉयज, फिरोज के आदमी यहीं किसी फ्लैट में है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। पब्लिक को डिस्टर्ब किए बिना उन्हें ढूंढो। ओके, तुम लोग वहां जाओ, तुम लोग वहां पे, और तुम लोग यहां पे जाओ। अरे तू तो अकेला मिल गया। बॉयज, अरे तू डर रहा है क्या? फिरोज ने तुझे जिंदा पकड़ने को कहा है, भाई से तुम लोगों ने पंगा क्यों लिया? बॉयज, इसको जिंदा पकड़ो। Yeah!
क्या देख रहा है बेतू? अब तो यहाँ से भाग नहीं सकता, अब तो मरेगा। तुम लोग ही प्लान बना सकते हो क्या? अपुन लोग नहीं बना सकते क्या? तेज भवंडर तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। सूर्य भाई ए, इन लोगों को छोड़ना मत। जाधव, इन लोगों से मैं निपटता हूं, तो उससे निपट। ठीक है भाई। आदमी का है? मुझे नहीं पता। तेरे आदमी का ही फोन है। ज्यादा फोन अटेंड कर। अब बता बॉम्ब कहां प्लांट किया है? जान प्यारी है तो बता। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तू ऐसे नहीं बताएगा। बकना शुरू कर। बताता हूं। बॉम्ब कहां प्लांट किया गया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने प्लांट किया है वो गोल्डन आई डिस्को में मिलेगी। चलो वहीं चलते। जल्दी मत करो, डिस्को थेक में बहुत पब्लिक भरी रहती है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। 6 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है। डिस्को में कोई भी मोबाइल फोन नहीं बजना चाहिए, सबके स्विच ऑफ करवा दो, बाकी बाद में बताऊंगा। पांच मिनट का टाइम दे दो उन दोनों को। हेलो। आप सबके लिए बैड न्यूज है। हमारे शहर में जिसने बॉम्ब प्लांट किए हैं उस फिरोज ग्रुप के 2 आदमी यहां मौजूद हैं। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्या भाई यहां मौजूद है। वो दोनों भी ये सुन ले, वो यहां से निकल नहीं सकते। होटल को चारों तरफ से हमारे आदमियों ने घेर लिया है, इसलिए उन दोनों को अब उन 5 मिनट का टाइम देता है। 5 मिनट के अंदर दोनों सरेंडर कर दो। अब जबकि हमारे पास 5 मिनट हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी ऐश कर ली जाए। क्यों दोस्तों, ये क्या सब डल पड़ गए? सूर्या भाई के होते हैं सिर्फ ऐश होती है ऐश। क्यों भाई, सही कहा ना? ए, अब उनके सूर्या भाई ने दिया हुआ टाइम खत्म हो गया। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की, सीधी तरह से बाहर आ जाओ। एक निकला गया, दूसरा कहां है रे? यहां पर बम है, सब लोग बाहर निकल जाओ। एए, बम कहां है? बोल ज्यादा, बोल कहां रखा है, वरना तेरी तो बताता हूं। वहां पर चल, उधर चल।
देखा कहाँ है? ऑफ कर जल्दी। ऑफ करना मुझे नहीं, रॉबिन को आता है। मूव। अब तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हे रॉबिन। हेलो, कहाँ हो तुम? सर, कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ हो तुम? बाहर हूँ सर। बाहर हो? यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? इस वक्त तुम दोनों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए था ना, फिर यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो।